हेलो दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है पीसी फीफा 22 मैनेजर करियर मोड में। ये चेल्सी का मैनेजर करियर मोड है दोस्तों। ये एपिसोड है फर्स्ट सीजन का लास्ट एपिसोड। अब मैच है मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट चेल्सी का। देखते हैं चेल्सी इस मैच में क्या कर पाएगी। मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट मेन लाइनअप मैच चलो में चेल्सी अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। चेल्सी के होम ग्राउंड पर देखते क्या होता है इस मैच में। तो बेहतरीन पासिंग गया मैनचेस्टर यूनाइटेड की ओर से। ओ नहीं, रोनाल्डो आगे निकल चुके हैं पर शूट ऑफ टारगेट। रोनाल्डो देखते क्या होता है। काफ़ी अच्छी पासिंग है रोनाल्डो। ओ रोनाल्डो ने सीधे हाथ में दे मारा एडवर्ड मेंडी के। क्रिश्चियन पुलिसिच के पास मौका है। देखते क्या कर पाएगी क्रिश्चियन पुलिसिच। क्रॉस किया है क्रिश्चियन पुलिसिच ने और शूट मारा लुकाकू ने हेडर के जरिए। गोल, बेहतरीन गोल लुकाकू का हेडर के जरिए। काफ़ी अच्छा रन था क्रिश्चियन पुलिसिच का। क्रॉस किया क्रिश्चियन पुलिसिच ने और बेहतरीन हेडर लुकाकू की ओर से। हैंडरसन के पास कोई मौका नहीं। डीन हैंडरसन गोलकीपर है मैनचेस्टर यूनाइटेड के। डीन हैंडरसन कुछ नहीं कर पाए हैंडरसन। और बेहतरीन गोल लुकाकू का। रफाइल वरान कवर कर रहे थे लुकाकू को फिर भी कुछ कर नहीं पाए। रोमेलो लुकाकू 23वां गोल 27 मैचेस में। लुकाकू मेसन माउंट। ओहो मेसन माउंट के पास मौका है। देखते क्या कर पाते हैं। मेसन माउंट ड्रिबल काफ़ी अच्छा लुकाकू के लिए पास। ओह दो लगातार गोल आए लुकाकू की ओर से। बेहतरीन गोल लुकाकू का ये। काफ़ी अच्छी पासिंग थी मेसन माउंट की। बेहतरीन बैक पास और बेहतरीन गोल। हैंडरसन के पास कोई मौका नहीं। सेंटर बैक के पास कोई मौका नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड के। बहुत ही बेहतरीन शूट बहुत ही बेहतरीन गोल 24वां गोल लुकाकू का। मैनचेस्टर यूनाइटेड को फ्री किक मिल चुकी है। देखते क्या होता है। रोनाल्डो लेंगे फ्री किक और सीधा एडवर्ड मेंडी के हाथों में। डैनियल वैन डर बीक ने शूट करने की कोशिश की पर कर नहीं पाए डैनियल वैन डर बीक। ओह ये क्या था। काफ़ी अच्छा मौका था शूट करने का पर शूट नहीं कर पाए डैनियल वैन डर बीक। साउल का क्रॉस रूडीगर। रूडीगर को मौका मिला था अब शूट आया। ये क्या बेहतरीन शूट। कुंडे का था ऐसे ये शूट जूस कुंडे। वो बेहतरीन शूट था डीन हैंडरसन का सेव। टाइम गेम से शूट करने वाले प्लेयर ब्रूनो फर्नांडिस। देखते क्या कर पाते रोनाल्डो और ब्रूनो। काफ़ी अच्छी पासिंग दिखा रहे पर उतना अच्छा मौका नहीं बना पाए। अब काउंटर रन कर सकती है या चेल्सी। और टीम वर्नर देखिए क्या कर पाएंगे। टीम वर्नर लुकाकू ओह बैक पास टीम वर्नर के लिए। टीम वर्नर ओ काफ़ी अच्छी पासिंग हो सकती है। टीम वर्नर बेहतरीन ड्रिबल। ओ ये क्या ओ कमाल की ड्रिबलिंग स्किल। ओ हो देखते किस तरह से आया ये गोल। टीम वर्नर ने काफ़ी अच्छी ड्रिबलिंग स्किल दिखाई। बहुत ज़्यादा घुमाया बॉल को और गोल किया। फर्स्ट हाफ एंडिंग मोमेंट्स पे आया ये गोल। काफ़ी अच्छी ड्रिबलिंग स्किल दिखाई। बहुत ही बेहतरीन कट मारा। बहुत सारे प्लेयर्स को छकाया। बहुत ही बेहतरीन गोल। डीन हैंडरसन के पास कोई मौका नहीं। टीम वर्नर का कमाल का गोल। ओहो काफ़ी अच्छा रहा ये गोल। पोस्ट को लग के अंदर गया। देखते हैं सेकेंड हाफ में क्या कर पाएगी मैनचेस्टर यूनाइटेड। फर्स्ट हाफ में तो काफ़ी बेहतरीन खेली चेल्सी। देखिए अब क्या कर पाती है मैनचेस्टर यूनाइटेड। काफ़ी अच्छा मौका है मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास। देखते क्या होता है। टैकल किया क्रिश्चियनसन ने। बेहतरीन टैकल था। टीम वर्नर का पास रिटान जेम्स के लिए। अब देखते क्या होता है। क्रॉस किया ओ मेसन माउंट का हेडर सीधा हैंडरसन के हाथों में दे मारा मेसन माउंट ने। क्रिश्चियनसन रिटान जेम्स की बॉल छीन लिया है क्रॉस किया है। देखते क्या होता है क्रिश्चियनसन। काफ़ी अच्छा ब्लॉक क्लियर करने की कोशिश। गलत क्लियरेंस। क्रॉस आया मैनचेस्टर यूनाइटेड की ओर से। ओ ये क्या ओ शूट करने में कामयाब। जो भी ये प्लेयर है रोनाल्डो कौन है। बहुत ही बेहतरीन मौका था क्रॉस किया यहाँ ब्रूनो फर्नांडिस से। गोल मारने वाले प्लेयर बहुत ही बेहतरीन गोल ब्रूनो फर्नांडिस का। देख नहीं पाया था कौन से नंबर का गोल है ब्रूनो फर्नांडिस।
చూసుకోండి. ఇంగోలో కంటే బెటరింగ్ పాసింగ్ లుకాకు, మేసన్ మౌంట్, మేసన్ మౌంట్ काफ़ी बेहतरीन पास, रिटर्न गेम, रिटर्न गेम, देखते क्या कर पाए थे, रिटर्न गेम शूट करने की कोशिश थी, रिटर्न गेम कीपर कुछ नहीं कर पाए, रिटर्न गेम शूट नहीं कर पाए वक्त पे. काफ़ी अच्छा रहा ओवरऑल मैच. मैनचेस्टर यूनाइटेड 1 चेल्सी 3, ये मैच जीतने में कामयाब रही चेल्सी. देखते आगे क्या होता है, और एक मैच बाकी है. अब मैच आ चुका है वॉटफोर्ड के अगेंस्ट, इस टीम के अगेंस्ट सेकेंडरी लाइनअप के साथ खेलेगी चेल्सी. ये मैच काफ़ी सारे प्लेयर्स का आखिरी मैच होने वाला है. सीजार एस्पिलिक्वेटा जो छोड़ के जाने वाली है अगले सीजन में, माथियो कोवाचिच वो भी छोड़ के चली जाएगी चेल्सी को, और बहुत सारे प्लेयर हैं जैसे कि रॉस बार्कली भी शायद से जा सकते हैं. सेकेंडरी लाइनअप के साथ खेलेगी ये मैच चेल्सी. देखते हैं इस मैच में क्या होता है, कौन जीत पाता है. चेल्सी अगेंस्ट वैटफर्ड मैच चल चुका है वैटफर्ड के ग्राउंड पर. देखिए क्या कर पाएगी चेल्सी इस मैच में. वैटफर्ड एक छोटी टीम है, उसकी स्ट्रॉन्ग नहीं है. देखती है कमाल का टैकल चिलविल का, हकीम रियाज बेन चिलविल, ओ सॉरी कैले मटसन उड़ोई है. अब मौका है कैले मटसन उड़ोई के पास, बेहतरीन ड्रिबल, ओ बेन चिलविल शूट करने की कोशिश चिलविल की, काफ़ी बेहतरीन ब्लॉक. अब एक और काउंटर रन बन सकता है, वो काउंटर रन बन ही चुका है. ओह सिजार एस्पिलिक्वेटा वो चालू का ओवर करने के लिए कोशिश इस प्लेयर को, वो मलोन सार ने ब्लॉक किया किस तरह से, चूक तो आया पर काफ़ी लॉन्ग था. एडवर्ड मिली ने अच्छा सेव निकाला. ओ बेंटी, ओ कमाडा के लिए बेहतरीन पास काय हैवर्स का, ओ बेहतरीन शूट, बहुत ही बेहतरीन शूट कमाडा, बहुत ही अच्छा पास था काय हैवर्स का कमाडा के लिए. वो बहुत ही बेहतरीन ड्रिबल और शूट मारा, अच्छा शूट था. तीसरा गोल 13 मैच में डैनी कमाडा, तीसरा गोल था ये कमाडा का प्रीमियर लीग का. अब कॉर्नर के लिए जा चुकी है वॉटफोर्ड, इस कॉर्नर का कुछ ज़्यादा फायदा उठा नहीं पाई. ओहो ये क्या, ओहो ओ काफ़ी अच्छा ड्रिबल. अब काउंटर रन बन सकता है हकीम रियाज, हकीम रियाज काय हैवर्ड्स, काय हैवर्ड्स देखते क्या कर पाते काय हैवर्ड्स. बेहतरीन पास जोर्गिनियो, जोर्गिनियो बॉल निकाला है, शूट करने की कोशिश शूट नहीं कर पाए जोर्गिनियो. ये क्या, बच गई है चेल्सी गोल मारते मारते, बहुत ही बड़ी मिस्टेक हुई है जोर्गिनियो से. अच्छा मौका था जोर्गिनियो के पास. बेंच लुई कमाडा, देखते कमाडा के पास बॉल है, क्या कर पाएगी कमाडा. काय हैवर्ड्स, काय हैवर्ड्स के लिए पास, काय हैवर्ड्स का शूट, ओ बहुत ही बेहतरीन सेव काय हैवर्ड्स की शूट पर. कमाल का शूट था, उतना ही अच्छा सेव. फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छा खेली चलती वॉटफोर्ड, उतना अच्छा खेल नहीं पाई पर डिफेंस भी अच्छा खेली चल वॉटफोर्ड. अब मौका है चेल्सी के पास सेकेंड हाफ में भी कुछ और गोल ठोकने का, या फिर वॉटफोर्ड कुछ नया करने में कामयाब होगी. मलोन सार, ओ काफ़ी अच्छा पास काले मसलन गोल के लिए. ओडोई, ओडोई का क्रॉस, हाँ ओ ये क्या, गोल मारने में कामयाब हुए काय हैवर्ड्स को क्रॉस के जरिए. ओ तेरी, गोलकीपर का सेव आया पर बॉल को अपने पास रख नहीं पाए गोलकीपर. अच्छा मौका था पर्सनल गोल का, क्रॉस किया काय हैवर्ड्स ने, शूट लगाने की कोशिश की, शूट कामयाब नहीं हुआ. सेकेंड टाइम में गोल मारा काय हैवर्ड्स ने, ओहो बहुत ही बेहतरीन तरीके से शूट आया, गोलकीपर के पास कोई मौका नहीं रोकने का. 16वां गोल काय हैवर्ड्स का इस मैच में प्रीमियर लीग का 16वां गोल. देखते क्या कर पाती है वैटफर्ड, ओ पास करने में काफ़ी अच्छी है वैटफर्ड. शूट आया पर सीधा एडवर्ड मेंडी के हाथों में. मार्कस अलोंसो भी छोड़ के जाने वाले चेल्सी को अगले सीजन, बहुत सारे चेल्सी के प्लेयर जाने वाले हैं. देखते क्या होता है, ये मैच आखिरी मैच है इस सीज़न का. मैच जीत चुकी है चेल्सी, ट्रॉफी सेलिब्रेशन शायद इस मैच में देखने को मिलेगा. हाँ हाँ देखने को मिलेगा इस मैच में ट्रॉफी सेलिब्रेशन सेकेंडरी लाइनअप के साथ. काफ़ी अच्छा रहा है इस सीज़न का चेल्सी का प्रीमियर लीग का रन.
लास्ट मैच में ट्रॉफी सेलिब्रेशन देखने को मिला। ये लास्ट ट्रॉफी सेलिब्रेशन है सीजार एस्पिलिक्वेटा की, अगले सीजन छोड़ के जाने वाले सीजार एस्पिलिक्वेटा। पर ये ट्रॉफी सेलिब्रेशन काफ़ी अच्छा रहा चेल्सी के लिए। ये इस सीजन चेल्सी बनी प्रीमियर लीग चैंपियन। ओरिजिनल भी ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्रीमियर लीग के चैंपियन चेल्सी ही बनेगी। अभी तो काफ़ी क्रूशियल है, सभी तो सभी 6-7 टीमें जो टॉप पे हैं वो रेस में है, पर चेल्सी की जीतने के चांस सबसे ज़्यादा है प्रीमियर लीग को इस सीज़न। पर अभी इस वक्त जीत चुकी है प्रीमियर लीग चेल्सी। सीजार एस्पिलिक्वेटा ट्रॉफी सेलिब्रेशन करते हुए जो अगले सीजन छोड़ के जाने वाली है, अलोंसो, रॉक बाकली और माथियो कोवैचिच ये भी छोड़ के जाने वाले हैं चेल्सी को। कितने प्लेयर आएंगे देखते हैं वो कौन होते हैं। पर काफ़ी अच्छा मौका रहा ये चेल्सी का ट्रॉफी विन करने का, प्रीमियर लीग चैंपियन चेल्सी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो में गलतियों को माफ़ कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक न्यू सीजन में। बाय बाय दोस्तों।